कुंदरा विलेज के बारे में आपको बता देता हूँ, उसको ना भूतिया विलेज भी कहते हैं। ठीक है, मैं नहीं जा रही। सुन लो पहले पूरी बात। भूतिया विलेज क्यों जाना है? भूतिया विलेज इसको इसलिए कहते हैं, कुछ ऐसा था कि कोई अफवाह उठी और क्या पता नहीं क्या रीज़न रहा कि रातों रात वो गाँव ना गाँव वालों ने खाली कर दिया, सभी पूरे के पूरे गाँव ने वो गाँव खाली कर दिया। और उसके बाद से अब एक चीज़ होती है ना कि अगर एक बार कहीं नेगेटिविटी फैल जाती है उसके बाद फिर उस चीज़ को वापस से रीगेन करना, मतलब दोबारा कोई वहाँ पे अपने घर में रहने गया ही नहीं, सब लोग वहाँ से बाहर चले गए। तो वो विलेज यहाँ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर है। अब मैं बोल रहा हूँ चलते हैं, इतने नहीं जाएंगे। हाँ, ये बस भी वहीं जा रही है। जैसे बाय ऑर्डर 50 व्हीकल इन 50 में मीटर में 50 में देंगे भाई। अंदर राम राम जी, 50 के साथ गाड़ी के साथ में मैम साहब का डीसी किया 50 गाड़ी के 70 रुपए। तो मेरी एंट्री फ्री हो गई? बिल्कुल। किस लिए? आप अच्छे आदमी हैं। अच्छा, सिटी खुले दे खुले। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से यह गाँव वीरान है। ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, फटाफट से यहाँ पे एक चक्कर काटेंगे पूरे गांव का। अब ये जो है ना, ये तो उन्होंने एक बात बना रखी है, पूरे पूरे पक्के मकान जो बना के रखे हैं ये कच्चे मकान है। ये देखो भाई, पूरे पूरे घर रहे होंगे यहाँ पे। फाइटर प्लेन एक भी ढंग से देखा नहीं, ये शायद थोड़ा ज्यादा नीचे आए। ये इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। चलो जी, किसी के घर में चलते हैं। मिट्टी के मकान है ये, तो लग रहा है बाद में दोबारा से बनाएंगे। कुछ मकान ऐसे हैं जिसको दोबारा बनाया उन्होंने, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल पुराने पुराने। पूरी मिट्टी से बने हुए। आओ किसी के घर में चलते हैं, आओ आओ किसी के घर में चलें।
ये किसी का कमरा रहा होगा। जाओ अंदर देखो, ये भी वही कमरा है क्या? यहाँ कुछ है देखो, अंदर कुछ बने हुए हैं। ओए हाँ, फ्लैश ऑन करना, यहाँ पे दिखाओ। ये देखो गाइस तहखाना, वो नीचे जा रही, तो सीढ़ी अंदर है। कुछ ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से, बस इतना होगा कि इसके नीचे और है। हाँ पहले ऐसे ही बनाते हैं। राजस्थान का टेशन है भाई, राजस्थान के यूनिक स्ट्रक्चर्स। लोग ना होते थे भूतिया विलेज दिखता, सच में कोई आता ही ना, तो इसीलिए आना नहीं चाह रही लोग, इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पर है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी है यहाँ। वहाँ टेंपल है एक, अब यहाँ से जा रहे हैं इस वाली हम हवेली में। विलेज हमने घूम लिया, डन। ये बहुत जल्दी घूमने वाली लोकेशन है, यहाँ ज़्यादा रुकने कोई फायदा भी नहीं है। सीधा यहाँ से ना डेजर्ट पे, तो अब सीधा यहाँ से जाएंगे हम सैम सैंड ड्यून्स। बहुत बार नाम पढ़ लिया, अब एक्चुअली में वहाँ पर क्या है वो जाके देखते हैं। हाँ ओके, तो अंदर आने के लिए 70 रुपये में खर्च करने पड़े हैं, 90 हो सकते थे, बट क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ तो इसीलिए मेरे को कम खर्च करना पड़ा। कहीं से बाहर निकल जाओ, अभी बाहर ही तो निकलना है, यहाँ से भी निकल सकते हैं। और ये एक मंदिर भी है यहाँ पर। यहाँ आने से पहले ना हम सोच रहे थे कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो कि बस हम ही अकेले यहाँ पहुँचे पड़े हो, कोई होना, और वो फील दिमाग में आ रहा था कि कहीं वो भूतिया वाला हिसाब किताब क्या ही होना। जैसलमेर से तो 18 किलोमीटर आया, तो फाइनली कुलधरा विलेज से निकल गए हैं। देखकर एक तो यहाँ पर पानी की कमी थी, और दूसरा रीज़न ये था कि जो यहाँ का राज्य मंत्री था वो बहुत अत्याचार करता था यहाँ के लोगों पे, तो इस रीज़न से उनको रात के रात से खाली करना पड़ा उन सब लोगों को। हाँ, उन सब लोगों को खाली, पूरे गाँव वालों ने एक साथ ये गाँव खाली किया। इसे आप कह सकते हो काइंड ऑफ बहिष्कार भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। भी राज्य का मंत्री जो है, एक तो पानी नहीं है उस राज्य के अंदर और लोग परेशान, ऊपर से ऐसा लिखा है कि जो वहाँ के राज्य का राज्य मंत्री सालम सिंह या सलीम सिंह, वो बहुत अत्याचारी था, तो लोग उससे काफ़ी दुखी थे, इसलिए एक साथ सब लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। 13वीं शताब्दी में ये बना था, 19वीं शताब्दी में खाली हो गया था। अच्छा हाँ, क्या भूतिया तो इसलिए हो गया क्योंकि गांव वालों ने इस जगह को शापित कर दिया। शापित कहने का मतलब ये होता है ना, जैसे आप दुखी होते हो जब, वहाँ भी लोग अगर मान लो कि गांव को एक साथ खाली किया गया, तो वो शापित इसलिए हो जाता है कि ना लोगों की हाय लग जाती है, और फिर वो अपनी मन से कुछ भी बोलते हैं कि कोई यहाँ सुखी नहीं रह पाएगा कुछ नहीं, और फिर एक बार नेगेटिविटी अगर कहीं जुड़ी तो उससे निकलना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि जरा जरा सी बातें असर करती हैं।